उम्मीद करता हूं कि आप तमाम खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने हाजिर हूं। यहां हमारे सामने कौशिक राज मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे जेएनयू में जो कोचिंग चलती है, ऑनलाइन कोचिंग जो चलाई जा रही है, उसकी डिटेल के बारे में। बहुत सारा कन्फ्यूज़न था कि किस तरह से आपसे कॉन्टेक्ट किया जाए, और अभी जो दौर चल रहा है इसमें यहाँ पे किसी से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, यूनियन अपना ऑफलाइन वो नहीं चला पा रही है, तो ऑनलाइन एक ऑप्शन मिला है और ये भी डिफरेंट तरह से यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह चला रहे हैं। तो मैं इनके बारे में बता दूं कि ये आयशा के प्रेसिडेंट हैं, और इससे पहले जो ऑफलाइन कोचिंग चलती थी उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस इनके पास है। पूरी ऑफलाइन कोचिंग को इन्होंने डील किया है और सारे स्टूडेंट्स इनको अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पर अब बात करने वाले हैं कि किस तरह से अभी जो इनिशिएटिव है उसको कैसे कराया जाए और जो लोग दूर हैं उन तक कैसे पहुंचा जाए। तो ये सारे क्वेश्चन हैं और ये आपको उसके बारे में डिटेल में बताएं कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, कैसे आपका कांटेक्ट होगा और क्या क्या मटेरियल है, किस तरह से आप ऑनलाइन का यूज़ कर सकते हैं। आप सभी लोग जो लोग जेएनयू का फॉर्म भरे हैं, आप सभी को ऑल द बेस्ट। इस बार हम लोग मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, सभी लोग जो है अपने अपने घरों पर है और वहीं से जो है अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। जेएनयू का फॉर्म का डेट भी बढ़ा दिया गया है, अभी आप लोग सभी लोग जेएनयू का फॉर्म भर सकते हैं। और आगे आने वाले दिनों में अगर किसी का कोई फॉर्म में गलती हो गया है तो उसमें करेक्शन भी आप लोग कर सकते हैं। इसके साथ ये है कि जेएनयू में हम लोग जानते हैं जेएनयू एक बेसिकली रिसर्च यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा यहाँ का मास्टर्स का कोर्सेज जो है बहुत पॉपुलर रहा है। उसके अलावा जो यहाँ जो है बैचलर्स में सिर्फ और सिर्फ फॉरेन लैंग्वेजेस का कोर्सेज है, ये हम लोग जानते हैं, और वो भी काफ़ी देश भर में बहुत पॉपुलर है। और इंडिया का समझिए कि फॉरेन लैंग्वेजेस का बेस्ट यूनिवर्सिटी है फॉरेन लैंग्वेजेस में, जो ग्रेजुएशन एक करवाती है, हाँ बीए ऑनर्स करवाती है फॉरेन लैंग्वेजेस में। उसके अलावा मास्टर्स में काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, फिर है जो रिसर्च के आपका कोर्सेज तो है ही। तो आप सभी लोग जो भी फॉर्म भरे हैं आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दिए हैं, जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं वो लोग आप लोग और भर सकते हैं। जेएनयू स्टूडेंट्स ने हमेशा यहाँ है जो स्टूडेंट्स के साथ मिल के यहाँ है जो ऑफलाइन कोचिंग यहाँ करवाया है, टेफ्लास में करवाया है, पर इस बार क्योंकि हम लोग जो है लॉकडाउन चल रहा है तो ऑफलाइन कोचिंग यहाँ नहीं करवा पा रहे, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है कि स्टूडेंट से है जो थ्रू फ़ोन, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल हम लोग उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने है जो कई यहाँ नंबर्स अपने हैं जो दिए हैं पोस्टर्स के माध्यम से, और स्टूडेंट से हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स हमसे कांटेक्ट करेंगे, और स्टूडेंट्स हमसे कांटेक्ट किए भी हैं, फ़ोन कर रहे हैं और हम लोग उनको है जो हेल्प कर रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू हम उनको हेल्प कर रहे हैं, ईमेल के थ्रू हम लोग उनको हेल्प कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया है हम लोगों का, गूगल फॉर्म भरा है, वो सारे स्टूडेंट्स को हम लोग रीच कर रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स को रीच नहीं कर पाए हैं तो आने वाले दिनों में उनको भी रीच कर लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स जो है वो निश्चिंत रहें, वो ये ना सोचे कि जो है जेएनयू स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं अभी, नहीं, हम लोग आप सबसे रीच करेंगे और आप लोग का जो भी तैयारी है उसमें हम लोग जितना ज़्यादा ज़्यादा मदद हो सके ऑनलाइन हम लोग वो करने का कोशिश करेंगे। इसके साथ हम ये कहेंगे कि आप लोग लगातार जो है हम लोगों से कॉन्टैक्ट करिए, और कोई भी इशू हो, कोई भी कन्फ्यूजन है हो, वो हम लोगों से आप शेयर करिए। जो भी लोग जेएनयू गूगल फॉर्म भरे हैं वो सभी लोग जो है से यहाँ स्टूडेंट्स हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, और आप लोग परेशान नहीं होइए। जो भी लोग जिनसे कांटेक्ट नहीं हुआ है उनसे भी आगे कांटेक्ट हम लोग करेंगे जल्दी ही। और उसके साथ साथ फिर भी अगर आपको हमसे जुड़ने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ है जो हमने स्टूडेंट्स का नंबर हाँ इस वीडियो के साथ दे दिया है, आप उन ये सारे स्टूडेंट्स को, जेएनयू स्टूडेंट्स को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद फिर है जो आप लोग जुड़ जाएंगे। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूँगा कि जेएनयू का जो फॉर्म है और जेएनयू में जो पढ़ने की बात है ये काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ जेएनयू में वो सभी लोग जो बहुत ज़्यादा, जेएनयू हम लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा महंगा यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पढ़ने के लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा, दूसरे यूनिवर्सिटीज़ की तरह आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा दबाव नहीं होगा। यहाँ के छात्रों ने ये इंश्योर करवाया है कि जेएनयू में पढ़ने के लिए है जो आपको मुश्किल से कुछ 100 रुपया से आप है जो यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ हॉस्टल है,
ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यहाँ हॉस्टल मिल जाता है, थोड़ा सा लेट से मिलता है, लेकिन हाँ ये है कि जो दिल्ली से बाहर जो है उनको सारे स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिल जाता है। तो ये एक जो दिल्ली में नहीं है, जो दिल्ली से दूर रहते हैं उन सब के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप जो है JNU में आके है ना, आप एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये तो हम सबको सलाह देंगे कि जो भी चाहते हैं वो JNU में आके फॉर्म भरे बिना हिचक का कि हम कैसे कहाँ रहेंगे, क्योंकि यहाँ है जो हॉस्टल्स जो है ज़्यादातर सबको मिल जाता है और फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, आप अगर आपने प्रॉस्पेक्टस देखा होगा तो। इसके अलावा जहाँ तक तैयारी की बात है तो जैसा कि आपने सुना कि कौशिक राज ने पूरा डिटेल में आपको बताया कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनके लिए भी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड है, ज़्यादा बहुत सारे लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो इस वजह से धीरे धीरे करके उन तक रीच हो रही है और पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट। तो आपको मटेरियल भी वहीं प्रोवाइड किया जाएगा, आपके सिलेबस, आपके जो सब्जेक्ट आपने भरा और आपने जो मेल और नंबर दिया है उसके थ्रू आप तक कॉन्टेक्ट होगा। इसके अलावा व्हाट्सएप का बताया कि अगर वहाँ से आप को स्टूडेंट की तरफ से उधर थोड़ा परेशानी हो रही है या टाइम लग रहा है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। इसी तरह के नए इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।